अमेरिकी के चुनाव से पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष। ट्रंप, जो बाइडेन में से कौन है भारतीय वोटर्स की पहली पसंद, अमेरिकी चुनाव का भारतीय कनेक्शन और सियासी सरगर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 यूएस चुनाव में टीवी 9। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन निकी हेली ने कहा कि चीन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि पाक आतंकी अमेरिकी सैनिकों की हत्या की कोशिश करते थे, नतीजा राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को 30 करोड़ डॉलर की फंडिंग रोकी। अमेरिकी चुनाव के धुआंधार प्रचार के बीच टीवी 9 भारतवर्ष की टीम वॉशिंगटन में मौजूद है। यूएस की तरह बिहार में भी चुनावी सरगर्मी है। यूएस में बड़ी संख्या में बिहार के नागरिक रहते हैं जिनका समर्थन ट्रंप और बाइडेन के लिए काफी अहम है। वॉशिंगटन में पीएम मोदी के भी बड़े समर्थक हैं। भारतीय मूल के इन अमेरिकी नागरिकों के बीच पहुंचे टीवी 9 भारतवर्ष ने जाना कि ट्रंप और बाइडेन में उनकी पसंद कौन है। और आप जैसा नेता ही हम लोग सबको चाहिए और मोदी मींस कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। वॉशिंगटन में रहने वाले बिहारियों ने टीवी 9 भारतवर्ष से खुलकर दिल की बात की, कहा कि इस बार बिहार और अमेरिका दोनों जगह कांटे का मुकाबला है। कोई नया चेहरा बिहार के लिए कुछ अच्छा काम कर सके, सर्टेनली बिहार में एजुकेशन डेवलपमेंट में रोड्स वगैरह लोगों ने किया, लेकिन और भी काम करना चाहिए, बिजली वगैरह अच्छा हो गया अभी। अमेरिका में रह रहे रंजीत वर्मा अब तक 5 राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल चुके हैं, मौजूदा चुनाव को लेकर भी खासा उत्साहित है। बिहार से इनका प्यार ऐसा है कि अपनी कार की नंबर प्लेट भी आरा जिला अलॉट करवा रखी है। वॉशिंगटन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद टीवी 9 भारतवर्ष ने भी जाना कि आखिर क्यों खास है अमेरिका में रहने वाले भारतीय। देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट है डिसाइड करना कौन जीतेगा, क्योंकि लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बाइडेन वापस प्रेसिडेंट बने यहाँ पे, सो दैट थोड़ा स्टेबिलिटी आए, थोड़ा सा रेसिज्म वगैरह कम हो, सो दैट इज द मेन थिंग फॉर मी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन से पिछड़ने की खबर को बेबुनियाद बताया है। ट्रंप ने ओहायो के कोलंबस में कहा कि मैं रेस में जो बाइडेन से आगे चल रहा हूं और मेरा प्रचार सही दिशा में चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी महिला एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष से अपना वोट डाला। नासा के अंतरिक्ष यात्री केट रूबिन्स अंतरिक्ष में एकमात्र अमेरिकी हैं और 3 नवंबर को चुनाव के दिन वहीं रहेंगी। रूबिन्स ने पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अपना वोट डाला।